स्टूडेंट्स हमारे पास स्केलेटन का एक बहुत डिटेल्ड मॉडल मौजूद है और उसको यूज़ करके हम स्केलेटन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं स्केलेटन में मोस्टली बोन्स होती हैं और कुछ एरियाज में कार्टेलेज होती हैं जो बोन्स हैं उनमें किसी बेंड होने की या मूवमेंट की गुंजाइश नहीं होती जो कार्टेलेज होती हैं उनमें बेंड होने की एक नॉमिनल सी गुंजाइश होती है स्केलेटन में जहाँ भी मूवमेंट आती है उसके लिए उसके लिए डिफरेंट तरह के जॉइंट्स होते हैं और डिफरेंट तरह के जॉइंट्स डिफरेंट तरह की मूवमेंट को अलाउ करते हैं कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होती जैसे कि हेड के ऊपर uh, आप देखें कि डिफरेंट बोन्स एक क्रिस क्रॉस पैटर्न के साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही हैं इन जॉइंट्स के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती स्कल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो एक मेजर मूवेबल जॉइंट है वो जॉ है और जॉ की जो मूवमेंट है वो एक रोटेशन में होती है उसका एक एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है एक पिवट पॉइंट है जिसके अराउंड जॉ मूव होता है और जॉ का जो जॉइंट है उसमें आप देखें कि किसी हद तक मूवमेंट की गुंजाइश होती है जिसकी वजह से जॉ थोड़ा बहुत साइडवेज भी मूव होता है लेकिन मोस्टली इसका इसकी मूवमेंट का जो एक्सेस है वो इसके पिवट पॉइंट के अराउंड ही होता है जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर आप देखते हैं कि डिफरेंट स्मॉलर बोन्स हैं जिन्हें वर्टिब्रे कहते हैं जिनसे कंबाइन होके पूरा वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन बनती है स्पाइन को डिफरेंट पोर्शंस में हम डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट जो स्पाइन के रीजनस हैं उनमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ मूवमेंट होती है हेड के बेस से ले कर या स्कल के बेस से ले कर और जो नेक का रीजन है रिब्स के स्टार्ट तक जो पार्ट है वो उसको जो है वो सर्वाइकल रीजन कहा जाता है और उसमें सात वर्टिब्रे होते हैं उससे नीचे जो है जो वर्टिब्रे होते हैं उनसे रिब्स निकल रही होती हैं और इस तरह के ट्वेल्व वर्टिब्रे होते हैं मतलब ट्वेल्व वर्टिब्रे जो हैं वो थोरेसिक रीजन में होते हैं और वो रिब्स के साथ कनेक्टेड होते हैं जो रिब्स वाले वर्टिबरे हैं उनके दरमियान में इतनी मूवमेंट नहीं होती रिब केज पूरा एक स्ट्रक्चर के तौर पे जो है वो सॉलिड रहता है रिब केज के नीचे जो पांच वर्टिब्रे हैं उन्हें लंबार या लोअर बैक के वर्टिबरे कहते हैं और आ, आ, आपके टॉर्सो में जितनी भी मूवमेंट आती है वो मोस्टली इन्हीं फाइव वटिबरे में आती है उससे नीचे पेल्विक वटिबरे हैं जो कि एक दूसरे में फ्यूज हुए हुए होते हैं टॉर्सो के अंदर जितनी भी मूवमेंट आएगी चाहे वो साइडवेज मूवमेंट हो चाहे वो फ्रंट टू बैक हो वो सारी की सारी इन्हीं पांच लंबार वर्टेब्रे के दरमियान आएगी रिब केज के जो वर्टेब्रे हैं वो उनके अंदर मूवमेंट की गुंजाइश नहीं होती जो आर्म्स के जॉइंट्स हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो शोल्डर का जॉइंट है उस टाइप के जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं अगर आप शोल्डर के टॉप पे देखें तो एक बॉल जैसी आपको जो है वो कर्व्ड सरफेस नज़र आती है और इसी तरह जो उसके अराउंड बोन्स हैं जिसमें मोस्टली स्कैपुला या शोल्डर ब्लेड है उसमें आप देखें कि एक कनकेविटी बनी हुई है मतलब एक सॉकेट बना हुआ है कि जिसके अंदर वो बॉल मूव करती है उसके मुकाबले में एल्बो जो है वो एक हिंज जॉइंट होता है हिंज जो है वो आ, आपने देखा होगा दरवाज़ों में भी हिंजेस होती हैं जिसको उर्दू में कब्जे कहते हैं आ, जो हिंज जॉइंट होता है वो सिर्फ़ एक टू डमेंशनल प्लेन में रोटेट करता है इसके साथ आप देखें कि जो फोर आर्म की दो बोन्स हैं इन बोन्स के दरमियान में भी एक हिंज जॉइंट मौजूद है जो कि एक सर्कुलर टू डायमेंशनल सर्कुलर वे में अपने एक्सिस के इर्द गिर्द ही रोटेट करती हैं आप ये देखें कि जब आपने अपना पाम ऊपर की तरफ पॉइंट किया हुआ हो या स्केलेटन का आप देख रहे हैं इस वक्त पाम ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो जो फ़ोर आर्म की बोन्स थी वो पैरेलल थी और जब पाम नीचे की तरफ पॉइंट करता है तो ये बोन्स एक दूसरे के अक्रॉस जा रही होती हैं एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि आर्म का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बाक़ी सारे स्केलेटन के साथ जिस जॉइंट से कनेक्ट होता है वो नेक के पास कॉलर बोन का जॉइंट है इस जॉइंट से ऑनवर्ड्स जितने भी सारी बोन्स हैं वो एक लिहाज से सिर्फ मसल्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं उनका कोई बोन जॉइंट नहीं होता इसी वजह से शोल्डर ब्लेड जो है वो एक लिहाज से बाकी स्केलेटन से फ्री होता है और जब आप अपने आर्म को मूव करते हैं तो शोल्डर ब्लेड भी उसके साथ हल्का हल्का मूव हो रहा होता है वो एक तरह से रिब्स के ऊपर जो है वो फ्लोट कर रहा होता है जब आप अपने आर्म को ज़्यादा मूवमेंट देते हैं तो उसके साथ शोल्डर ब्लेड भी जो है वो मूव कर रहा होता है अगर हम लेग के जॉइंट्स को देखें तो उसमें भी जो ऊपर का जॉइंट है जो हिप जॉइंट है वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि हिप जो पेल्विस है उसके अंदर एक कप शेप का जो है वो सॉकेट है और जो फीमर है लेग की जो बोन है उस पर एक बॉल की तरह की शेप है और ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये बहुत डिफरेंट uh, एंगल्स पे डिफरेंट डायरेक्शंस में मूवमेंट uh, को अलाउ करता है क्योंकि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं उनमें ज़्यादा मूवमेंट की कैपेबिलिटी होती है उसके मुकाबले में uh, जो नी जॉइंट है वो एक हिंज जॉइंट है uh, इसमें आप देखें कि डिफरेंट सर्कुलर पैटर्न में दोनों बोन्स में ग्रूव्स बनी हुई हैं जो ऊपर की बोन है जो, जो लेग के टॉप की बोन है उसमें दरवाजे के हिंज की तरह एक ग्रूव बनी हुई है रिजेस बनी हुई हैं और जो नीचे वाली शिन बोन है उसमें उस रिज के बराबर एक ग्रूव है जिसके अंदर वो रिज जो है वो मूव करती है और ये भी आप देखें कि हिंज जॉइंट्स की एक मूवमेंट की या रोटेशन की लिमिट होती है जिससे आगे वो मूव नहीं हो सकते और अगर वो उससे आगे मूव होंगे तो वो हो जॉइंट डैमेज हो जाता है हाइपर एक्सटेंड हो जाता है इसी तरह जो फुट का जॉइंट है वो भी एक हिंज जॉइंट है और जितनी भी उंगलियों या पाँव की उंगलियों के जॉइंट्स होते हैं वो भी आ, सिर्फ एक टू डायमेंशनल एक्सिस में रोटेट हो सकते हैं साइडवेज नहीं मुड़ सकते तो वो भी जो है वो हिंज जॉइंट्स होते हैं तो ये स्केलेटन uh, का एक बेसिक सा ओवरव्यू है